जीवन में ये सौभाग्य नहीं मिलता बारंबार, ये एक ही बार मिलता है, ये मनुष्य का शरीर। और इसे जितना आप सत्संग में लगाएंगे, जितना सुधारेंगे, उतना ही आपका जीवन सुधर जाएगा। कहते हैं संसार में सुख और दुख इन्हें स्वीकार करना सीखिए, इनसे लड़ना सीखिए। क्यों? सब्जी बनाते हो ना, बनाते हो, जब सब्जी बनाते हो तो सब्जी में स्वाद लाने के लिए नमक और मसाले डालते हो। बिन नमक मिर्च मसाले के सब्जी में क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार जीवन में सुख और दुख है। जब तक आपके जीवन में सुख दुख नहीं होंगे, हम ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर की अनुभूति के लिए जीवन में दुख भी आवश्यक है, सुख भी आवश्यक है। और दोनों से लड़ने के लिए सत्संग करिए महाराज, क्योंकि सत्संग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिन सत्संग के मुक्ति नहीं मिलेगी। राम भजे तो बंधन छूटे। एक संत ने कहा ना, नित्य प्रति सत्संग करते तो एक तोता बगल में पिंजड़े में बैठा रहता। अब संत कहते नित्य प्रति कहते सत्संग में कि राम भजे तो बंधन छूटे, तो तोता क्या कहता? ऐसा मत कहो रे पंडित झूठे। तोता कहता कि ऐसा मत कहो रे पंडित झूठे। तो संत को ऐसा लगे कि ये नित्य प्रति मेरी बात को काटता है और नित्य प्रति मुझे कहता है कि ऐसा मत कहो रे पंडित झूठे। एक दिन संत ने उसे उठाया और कहा, जे बता तेरी समस्या कहाँ है? जब जब मैं सत्संग करूं, लोगों को राम नाम की औषधि दूं, उपाय दूं, मंत्र जप का एक उनको ज्ञान कराऊं, तो तब तब तू बोले महाराज कि ऐसा मत कहो रे पंडित झूठे। ऐसा क्यों कहता है? बोले महाराज तुम कहते हो कि राम कहे तो बंधन छूटे, तो ये बताओ राम कहने से बंधन छूटते? तो आज मुझे कई वर्ष हो गए राम राम कहते, बंधन छूटा क्यों नहीं? तो महाराज मेरे मालिक ने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है, बंधन छूट जाना चाहिए था। अब संत ने सोचा कि बंधन छुड़ा दें इसका महाराज, और संत का संग मिल गया तो बंधन तो छूटना ही छूटना था। इसलिए संत ने कहा कि जब तेरे स्वामी तेरे मालिक मालकिन दोनों सत्संग सुन करके लौटें, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा वैसा कार्य तू करना। जब ये लौट करके आए और तुझसे राम राम बोलने को कहें, तो तू आज राम राम मत कहना, तू सो जाना, मूर्छित हो जाना, नाटक करना। जब तक ये जान न लें कि तू मर नहीं गया, तब तक तू नाटक करते रहना। अब तोते ने वही उपाय किया महाराज, ये संत कि कहे द्वारा बात को उसने धारण कर लिया। जब मालिक और मालकिन लौट करके आए, सेठ सेठानी लौट करके आए सत्संग से, तो इनका नियम था उस तोते से राम राम कहलवाने का। अब ये जैसे ही बुलवाने लगे कि बोल सुख राम राम, बोल सुख कृष्ण कृष्ण, अब आज सुख तो बोले ही नहीं, पंडित जी ने सिखाया है ना महाराज, यही है सत्संग का प्रभाव। तो बोले आज तोता बोला ही नहीं। अब तोता नहीं बोला तो मालिक, जो मालिक थे, जो सेठ सेठानी थे, उनको लगा कि तोता शायद मर गया। सेठानी चली गई जल लेने के लिए और सेठ जी अपने काम में लगे हुए थे, और पिंजड़े का जो गेट था उसको खोल दिया था, दरवाजा खोल दिया था। अब तोते ने एक आंख खोल करके देखा कि गेट खुला हुआ है, भागने का अच्छा मौका मार। तोता उसी समय उड़ा और कहा, महाराज सत्य कहते हो कि राम कहे तो बंधन छूटे, जगत के सबरे बंधन छूट जाते हैं सिर्फ राम का नाम लेने से, राम का गुणगान करने से। इसलिए इन्हें अपना प्राण मानिए और इन पर जीवन न्योछावर कर दीजिए, इन्हीं की शरणागति लीजिए और उन्हीं आदि शक्ति के चरणों में बैठ करके इस कथा का आनंद लीजिए। जितना समय मिला उसी में इस जीवन को सुधारिए।